Kids, and welcome back to my channel Hina's Biology World, where learning biology is super easy and interesting. बच्चे, अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको चार इंपॉर्टेंट फीचर्स भी बताए थे जो क्लोनिंग वेक्टर्स में होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं. जो दूसरा फीचर था उनमें से वो था सिलेक्टेबल मार्कर्स, और मैंने आपको ये कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसमें आपको समझ में आएगा कि ये सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या हैं और इन सिलेक्टेबल मार्कर्स का क्या काम है जब ये एक क्लोनिंग वेक्टर में होते हैं. तो आज मैं आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी का सिलेक्टेबल मार्कर्स का टॉपिक समझाने वाली हूं. सो लेट्स बिगिन. बेटा, सिलेक्टेबल मार्कर्स, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो जब भी अपनी बुक रीड करते हैं या अपने नोट्स बनाते हैं तो वो अलग अलग मार्कर पेन्स की या फिर अलग अलग कलर्ड पेन्स का मदद लेते हैं. कुछ बच्चे बुक रीड करते टाइम इंपॉर्टेंट टर्म्स को येलो कलर के मार्कर से मार्क करते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो होते हैं उनको ग्रीन कलर से मार्क करते हैं, जो सेकंड प्रायोरिटी के इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको ऑरेंज कलर के मार्कर से मार्क करते हैं. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग मार्कर्स का यूज करते हैं. आपने भी मेरी वीडियोस में देखा होगा, किसी वीडियो में मैं सिर्फ ब्लैक मार्कर यूज करती हूँ, लेकिन किसी वीडियो में जब मुझे डायग्राम समझाना होता है तो मैं ब्लैक, ग्रीन, रेड तीनों कलर के मार्कर्स का यूज करती हूँ. तो बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अलग अलग कलर के मार्कर्स हमें क्या मदद कर रहे हैं, हमारी क्या हेल्प कर रहे हैं, तो आप मुझे क्या आंसर देंगे कि मैम, ये सिलेक्शन करने में मदद कर रहे हैं, ये हमको ये बताने में मदद कर रहे हैं कि कौन सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज दूसरे नंबर की इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज एक चीज से अलग है या उन दोनों में क्या डिफरेंस है. तो सिलेक्टेबल मार्कर्स जो क्लोनिंग वैक्टर्स में प्रेजेंट होते हैं वो भी बिल्कुल यही काम करते हैं. सिलेक्टेबल मार्कर्स इन अ क्लोनिंग वैक्टर simply help us to differentiate between recombinant and non-recombinant DNA. Recombinant DNA क्या है? जब हमारे cloning vector के साथ हमारा foreign DNA जुड़ गया तो वो क्या बन गया? एक recombinant DNA बन गया. Non-recombinant DNA क्या है? जब हमारे cloning vector के साथ हमारा foreign DNA जुड़ नहीं पाया तो हमारा क्लोनिंग वेक्टर का डीएनए ही अकेला रह गया, तो ये कैसा डीएनए है? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है. तो बेटा, सिलेक्टेबल मार्कर्स हेल्प करते हैं हमें ये पता लगाने में कि हमारा कौन सा डीएनए रिकॉम्बिनेंट बन गया और कौन सा डीएनए रिकॉम्बिनेंट नहीं बना. अब ये कैसे होता है? ये बेसिकली दो चीजों की मदद से होता है. पहला जो प्रोसेस होता है वो है इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, और दूसरा जो प्रोसेस होता है वो है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. सबसे पहले बात करते हैं इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स. आई होप मेरी लास्ट वीडियो देखने के बाद आपने PBR322 का डायग्राम अच्छे से कर लिया होगा, और अगर आपने PBR322 का डायग्राम अच्छे से किया है तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि PBR322 में टोटल दो रेजिस्टेंस है एंटीबायोटिक्स की. पहली रेजिस्टेंट है टेट्रासाइक्लिन, दूसरी रेजिस्टेंस है एम्पीसिलिन. अगर आप ध्यान से देखेंगे PBR322 का डायग्राम तो आपको इस तरीके से AMPR और TETR लिखा हुआ दिख जाएगा. AMPR रिप्रेजेंट्स एम्पीसिलिन रेजिस्टिविटी, TETR रिप्रेजेंट्स टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टिविटी. अब बेटा, रेजिस्टिविटी का क्या मतलब है? रेजिस्ट करना, रोकना. तो अगर मेरे डीएनए में एम्पीसिलिन रेजिस्टिविटी है और मैं उसको एम्पीसिलिन वाले बीकर में ग्रो करूं तो क्या वो ग्रो हो जाएगा? जी हां, वो बिल्कुल ग्रो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि मेरे डीएनए में क्या है? एम्पीसिलिन रेजिस्टिविटी है, एम्पीसिलिन को रोकने की ताकत है. तो मैं चाहे जितना मर्जी एम्पीसिलिन अपने लिक्विड में घोल लूं, लेकिन मेरा डीएनए डला हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा ग्रो हो जाएगा.
सिमिलरली टेट्रासाइक्लिन के केस में है, अगर मेरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टिविटी है तो चाहे मैं अपने मीडियम में जितना मर्जी टेट्रासाइक्लिन डाल लूं वो ग्रो हो जाएगा, क्योंकि डीएनए क्या कहता है, टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्ट करता है, टेट्रासाइक्लिन को रोकता है। सिमिलर तरीके से बेटा अगर मैं अपना पीबीआर 322 को ग्रो करूं एम्पिसिलिन में एज वेल एज टेट्रासाइक्लिन में तो वो दोनों के दोनों मीडियम में ग्रो हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टिविटी भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टिविटी भी है। लेकिन अगर मैं दोनों रेजिस्टिविटी वाले डीएनएज में से किसी एक रेजिस्टिविटी वाले डीएनए को हटा दूं और उसकी जगह पर मेरा फॉरेन डीएनए डाल दूं तो क्या होगा, तो वो रेजिस्टिविटी डीएनए में नहीं रहेगी और मेरा ऑर्गेनिज्म भी ग्रो नहीं हो पाएगा। बस यही टेक्निक है जो हम इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स में इस्तेमाल करते हैं। देखो अगर मैंने यहां पर बामेच वन को यूज करके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टिविटी वाला डीएनए सेगमेंट काट दिया, हटा दिया और उसकी जगह मेरा फॉरेन डीएनए डाल दिया तो जो मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना वो कैसा बना, कि उसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टिविटी तो है लेकिन अब उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टिविटी नहीं है, क्योंकि मेरा टेट्रासाइक्लिन वाला डीएनए हट गया और उसकी जगह पे कौन आ गया, फॉरेन डीएनए आ गया। अब अगर मैं इस टाइप के रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ग्रो करूंगी तो एम्पिसिलिन रेजिस्टिविटी है तो वो एम्पिसिलिन मीडियम पर ग्रो हो जाएगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टिविटी नहीं है तो वो टेट्रासाइक्लिन के मीडियम पे ग्रो नहीं होगा। इस चीज से मुझे पता चल जाएगा कि मेरा रिकॉम्बिनेशन ठीक हो गया या नहीं। इस केस को बच्चे आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, मतलब उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा करने का क्या मतलब है कि आप टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टिविटी को रहने दीजिए लेकिन ECOR1 को यूज करके एम्पिसिलिन वाले रेजिस्टिविटी वाले डीएनए को हटा दीजिए और वहां पर अपना फॉरेन डीएनए डाल दीजिए। तो अब कौन सी वाली रेजिस्टिविटी है, टेट्रासाइक्लिन की, कौन सी नहीं है, एम्पिसिलिन की। कौन से मीडियम में ग्रो कर जाएगा, टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर जाएगा क्योंकि उसके रेजिस्टिविटी वाला डीएनए है। कौन से में ग्रो नहीं करेगा, एम्पिसिलिन में ग्रो नहीं करेगा क्योंकि उसका रेजिस्टिविटी वाला डीएनए नहीं है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस जिससे आप पता लगा सकते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स की मदद से कि रिकॉम्बिनेशन हुआ ठीक से या रिकॉम्बिनेशन ठीक से नहीं हुआ। बेटा जो दूसरा है वो है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसके नाम से ही पता चल जाता है, बड़ा आसान है। इंसर्शनल मतलब किसी चीज को इंसर्ट करना, इनएक्टिवेशन मतलब कोई नई चीज को इंसर्ट करने की वजह से किसी चीज का इनएक्टिव हो जाना। अब इंसर्ट किसको कर रहे हैं, फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर रहे हैं। इनएक्टिवेट क्या हो रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है वो इनएक्टिवेट हो रहा है। बेटा हमारे बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स के अंदर एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम रिलीज कराता है। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम रिलीज हो जाता है तो जो हमारी बैक्टीरियल कॉलोनीज बनती हैं वो ब्लू कलर की बनती हैं। लेकिन अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम रिलीज नहीं होता है तो जो हमारी कॉलोनीज बनती हैं वो कलरलेस बनती हैं, हम ब्लू कलर हमारे कॉलोनीज में नहीं देख सकते। यही हम मेथड यहां पर यूज करते हैं। अगर हमारा फॉरेन डीएनए आराम से जाकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया तो उसकी वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम वाला डीएनए हट गया, जिसकी वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बना, उसकी वजह से जो कॉलोनीज बनी वो कैसी बनी, कलरलेस बनी। लेकिन अगर मेरा फॉरेन डीएनए ठीक से रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बना पाया तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला एंजाइम मेरे डीएनए में रहा, जिसकी वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम रिलीज हो गया, जिसकी वजह से मेरी कॉलोनीज का कलर ब्लू आ गया। तो
तो बच्चे दोनों ही मेथड्स में एक बड़ा आसान सा चीज है जो हम यूज कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई रिकॉम्बिनेशन ठीक से हुआ है या नहीं। हम ग्रोथ देख रहे हैं या फिर हम कलर देख रहे हैं। अगर ग्रोथ हो गई एक स्पेसिफिक टाइप के एंटीबायोटिक में जिसको हमने हटाया था, इसका मतलब वो ठीक से नहीं हटा, ठीक से रिकॉम्बिनेंट नहीं बना। अगर ब्लू कलर की कॉलोनीज बनी, मतलब रिकॉम्बिनेंट नहीं बना। अगर ग्रोथ नहीं हुई और ब्लू कलर की कॉलोनीज भी नहीं बनी, मतलब रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो रिकॉम्बिनेशन हो गया तो ग्रोथ नहीं हुई, ब्लू कलर नहीं बना। रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो ग्रोथ हुई और ब्लू कलर की कॉलोनीज भी बनी। आई होप आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये टॉपिक कुछ बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से याद रखेंगे जो मैंने अभी लास्ट में आपको बताया कि ग्रोथ हो गई मतलब रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, ग्रोथ नहीं हुई मतलब रिकॉम्बिनेशन हो गया, ब्लू कलर की कॉलोनीज बनी मतलब रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, ब्लू कलर की कॉलोनीज नहीं बनी मतलब रिकॉम्बिनेशन हो गया। अगर आप इस तरीके से इस मेथड को याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड यस, कीप लर्निंग बायोलॉजी।